अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन हांडी बिरयानी रेसिपी। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली और बहुत ही इजी तरीके से बनाने वाली रेसिपी है। गाइस, ये रेसिपी बहुत टेस्टी और बहुत यमी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो फुल वॉच कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ मैंने हाफ के जी चिकन ले लिया है, इसे मैं पहले मैरिनेट करूँगी। तो मैरिनेट के लिए हमें पहले यहाँ दही चाहिए। यहाँ मैंने आधा प्याली के करीब दही लिया है, 100 ग्राम के करीब। अब मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। नमक ऐड करूँगी, नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, तेज़ या कम आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। और यहाँ मैं 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लूँगी, लाल मिर्च पाउडर, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लो, हल्दी पाउडर थोड़ा लेना है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें हल्दी पाउडर डालना है। और मैं यहाँ बिरयानी मसाला लूँगी, यहाँ मैंने 3 चम्मच बिरयानी मसाला लिया है। 1 मुट्ठी हमें पुदीना, हरा पुदीना को बारीक कट कर लेना है, इसे मैं डाल लूँगी, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैं 2 बड़ा साइज़ टमाटर को बारीक पीस के प्योरी बना ली है, उसे ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैंने 3 से 4 बड़ा साइज़ का प्याज मैंने ब्राउन कर तल लिया था, इसे फ्राई कर लिया था, और मैं तेल निकाल के सिर्फ प्याज इसमें ऐड करके अच्छे से हमें मिला लेना है। फिर हमें मिक्स करके खूब अच्छा थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देंगे, आधी घंटा 1 घंटा जो इतना भी आपके पास टाइम है, नहीं तो फिर आप उसे 10-15 मिनट रुक के आप बना भी सकते हो। तो इससे मैं अच्छे से मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं इसमें कलर के लिए थोड़ा फूड कलर ऐड करूँगी। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ मैंने फूड कलर मिला के एकदम अच्छे से मिला के इसे रख दिया था थोड़ी देर। ये देखिए कलर कितना अच्छा है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल, जिसमें मैंने प्याज लाल किया था, उसी तेल में मैं अब 2 तेज़पत्ता और 1 इंच दालचीनी डाल के अब मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था उसे इसमें डाल दूँगी और खूब अच्छे से इसे कुक कर लूँगी। और फूड कलर से हमारे चिकन का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। फूड कलर की जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है। तो हमें इस तरीके से अपने चिकन को खूब अच्छे से कुक कर लेना है, पका लेना है, और एकदम इसका जो भी पानी है वो उसको हमें सुखा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू को इतने बड़े टुकड़ों में कट करके अच्छे से फ्राई कर लिया था, और अब मैं इसे चिकन में डाल के खूब अच्छे से कुक कर लूँगी। जब तक हमारा आलू गल ना जाए हमें पका लेना है। तो यहाँ मैंने आलू को डाल के अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसे ढक के 2 मिनट तेज़ आंच पे, उसके बाद फिर मैं धीरे आंच पे, जब तक हमारा आलू और चिकन अच्छे से गल ना जाए, मैं पका लूँगी और इसका पानी को अच्छे से सुखा लूँगी। तो यहाँ मैं एक बर्तन लूँगी, बड़ा बर्तन, जिसमें हमें बिरयानी तैयार करनी है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन में 2 चम्मच तेल ऐड करूँगी। ये मैंने 2 चम्मच तेल ऐड किया है। अब मैं इसमें कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी, ज़ीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ते को। तो जब ये होने लगेगा फिर मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। हमें चावल के हिसाब से पानी लेना है। मैंने 3 गिलास चावल लिया था, उसके हिसाब से मैंने 4 गिलास पानी लिया है। और यहाँ मैं थोड़ा नमक ऐड करूँगी। ढक्कन को ढक के मैं पानी को बॉईल करूँगी। अब मैं चलती हूँ चिकन चेक करने। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है एक साइड कुक हो रहा है, और ये देखिए कितना अच्छा हमारा चिकन जो है तैयार होने लगा है। अब इसमें से तेल आने लगा है, मतलब हमारा चिकन जो है वो रेडी होने लगा। अब हम चेक करेंगे कि हमारा आलू और चिकन गला है कि नहीं खूब अच्छा। और अभी हमें थोड़ा और चिकन को गला लेना है। ये देखिए ये हमारा आलू जो है खूब अच्छा गल गया है, हमको चिकन को और सुखा लेना है। चलिए हम चिकन को चेक करते हैं, हमारा चिकन गला या नहीं। बहुत अच्छा गल गया है हमारा चिकन, और आलू दोनों बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे मैं सुखा लूँगी और खूब अच्छे से भून के चिकन को मैं गैस को ऑफ कर दूँगी।
तो यहाँ हमारा पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। ये देखिए हमारा पानी जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें यहाँ मैंने आधा किलो चावल को अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था। अब मैं इसमें चावल को ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं चावल को डाल के अच्छे से इसको चला लूँगी और एक बॉयल आने के बाद मैं गैस को स्लो कर दूँगी। हमें तेज़ आंच पे पहले चावल को बनाना है। जब इसमें उबाल आने लगेगा तो हमें गैस धीरे कर लेनी है और फिर हमें चावल को पूरा कुक नहीं करना। थोड़ा हम चावल की एक खुदी कच्ची रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा चावल जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें परत लगाऊँगी। तो ये हमारा चावल ठंडा हो चुका है। इसमें मैं पहले फूड कलर ऐड करूँगी। आप चाहो तो और भी कलर, आपको जो भी पसंद है आप उस कलर को ऐड कर सकते हो। इस तरीके से हमें फूड कलर डाल के इसके ऊपर मैंने प्याज को ब्राउन करके रखा हुआ था तल के, तो मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज डालने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा हरी मिर्च, और आपको अगर टमाटर पसंद है टमाटर, हरी धनिया जो अभी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हो। अब मैं इसमें चिकन को, जो मैंने चिकन को रेडी करके रखा है उसे मैं इसके ऊपर पूरा एक परत लगा दूंगी। इस तरीके से हमें मसाले के साथ पूरा चिकन जो है वो इसके ऊपर पूरा लगा देना है एक परत। उसके बाद मैं जो भी चावल को थोड़ा मैंने अलग करके रखा था, ये देखिए आधे चावल को मैंने इसके ऊपर लगा के फूड कलर डाल के, और इस पर मैंने तली हुई प्याज को रख के अच्छे से हमें 10 से 15 मिनट बंद ढक्कन ढक के पका लेना है, क्योंकि हमारा चावल एक खुद ही कच्चा है वो एकदम अच्छे से कुक हो जाए और हमारी बिरयानी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ मैंने 10 से 15 मिनट धीरे आंच पे मैंने बिरयानी को अच्छे से कुक कर लिया है। इसमें बहुत अच्छी स्टीम देखिए आने लगी थी, क्योंकि हमारी ये बिरयानी परत जो है वो स्टीम से बहुत अच्छी तैयार होती है। ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी अच्छी रेडी है, कितना अच्छा इसमें कलर आया है, और बहुत टेस्टी ये बिरयानी बनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, और इसमें तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये हमारी बिरयानी रेडी है, आप गर्म गर्म खाइए आराम से, और अपने घर वालों को भी खिलाइए और इन्जॉय करिए मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।